टी20 सीरीज में भारत की जीत हार का रैंकिंग पर पड़ेगा ऐसा असर। न्यूजीलैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत 24 जनवरी से हो रही है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की सीरीज होने वाली है। भारत ने अभी तक न्यूजीलैंड में कोई टी20 सीरीज नहीं जीता है, इसी वजह से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीरीज का टी20 टीम रैंकिंग पर भी काफी असर पड़ सकता है। भारत टी20 रैंकिंग में 260 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड के 252 अंक है और वह 6वें स्थान पर है। भारत अगर सीरीज को 5-0 से अपने नाम करता है तो उसे 4 अंकों का फायदा होगा और वह टेबल में 264 अंकों के साथ नंबर 4 पर पहुंच जाएगी। अगर भारतीय टीम को 4 मैचों में जीत मिलती है और एक मैच में हार के सामना करना पड़ता है तो टीम को सिर्फ 2 अंकों का फायदा होगा। वही भारत 3-2 से सीरीज अपने नाम करता है तो रैंकिंग में कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। न्यूजीलैंड इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम करता है तो भारतीय टीम को रैंकिंग में बड़ा नुकसान होने वाला है। भारत को 6 अंक का नुकसान होगा और टीम 254 अंकों के साथ 6वें स्थान पर आ जाएगी। वही न्यूजीलैंड को 8 अंकों का फायदा होगा और वह 5वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। भारत 4-1 से सीरीज हारता है तो भी टीम के 256 अंक और न्यूजीलैंड के 259 अंक हो जाएंगे। की भी टीम सीरीज को 3-2 से अपने नाम करती है तो रैंकिंग टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के 258 अंक होने लेकिन वह 5वें स्थान पर ही होगी। भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। अभी वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा नहीं हुई है। भारत का टी20 में हालिया प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत को 1-1 मैच में हार मिली थी। श्रीलंका के खिलाफ 3 में से 2 मैच जीतने में सफल रही थी। वही एक मैच बारिश की वजह से रद्द रहा था। आपका भारतीय टीम के बारे में क्या सुझाव है कि वह टी20 मैच जीत पाएंगे या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।